नवीन भंडारी फिनिशिंग टच। तो आज मैं एक चीजें दिखाने वाला हूँ, जो सिस्टम्स पहना हुआ है उसको उतारने के बाद उस सिस्टम्स को कैसे क्लीन किया जाता है, उसको कैसे साफ किया जाता है, उसके बारे में मैं बताने वाला। मेल पैटर्न का चीजें जो ये है मेरे पास से आया हुआ है, जो चीजें कि यहाँ पर जो चीज लगाया हुआ है उसमें पूरा ग्लू हो, टेप से काफी सारा जो लगा हुआ है इसको मैं क्लीन कैसे किया जाता है। बहुत इजी मेथड है। फर्स्ट अपने को ये जो चीजें हैं फिनिशिंग टच का, जो हेयर रिमूवर, हेयर सिस्टम्स रिमूवर है, इसको हम लोग एक बार मान लीजिए यहां पर, फिर यहां पर भी टेप से एक 30 सेकेंड सोखने के लिए छोड़ दीजिए टाइम, 30 सेकेंड 30 सेकेंड, तो फिर वो धीरे धीरे रिमूव होने के लिए स्टार्ट करता है। पच्ची तरफ से मारना जरूरी है इसमें, तो ये हम लोग ने टेप्स को निकाल दिया। टेप्स को निकालने के बाद इसमें भी टेप्स हैं, बाल बिल्कुल डैमेज नहीं होना चाहिए, बाल डैमेज हो जाएंगे तो फिर स्टाइल में बहुत सारा दिक्कतें आती है। ये है, ये हो गया, आ गया इसमें। अभी ये जो चीज है एडियोसिव सिस्टम्स रिमूवर, ये फिनिशिंग टच का है। ये जो चीज क्या करता है, ये काली आपकी सिस्टम्स उतारने के लिए काम आती है। ये जो चीज है ऑयली बेस रहता है, जब भी आपका हाथ बहुत चिपका चिपका है, बहुत चिपका चिपका है, ये रिमूव नहीं हो पा रहा है, तो फिर इसमें थोड़ा सा आप हाथ में डाल दीजिए, ये आपको चिपका चिपका नहीं रहे थे। और सिस्टम में भी ऐसे है कि आप जो जगह पे चिपका चिपका रहता है तो उसमें थोड़ा सा आप इसमें डाल दीजिए, जहाँ जहाँ है वहाँ पर थोड़ा सा एप्लीकेशन कर दीजिए, तो आप इसको अच्छे तरफ से ये भी निकल जाएगा चिपका चिपका। और ज़्यादा दिन, बहुत ज़्यादा दिन पहनने से ये क्या होता है, ज़्यादा टेप्स वगैरह जो एडिजो वो सब बहुत ज़्यादा पिघल जाता है, ये एक्चुअली पिघलना नहीं चाहिए। पिघल जाता है तो फिर उसको रिमूव करना, बहुत धोना, बहुत स्टिकनेस हो जाता है, तो उसको सब रिमूव करने के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसके लिए ज़्यादा दिन नहीं पहनना चाहिए। जो आप एडिजल लगाते हो तो 10 से 15 दिन, या आपका मौसम बहुत ठंड है, ठंडी मौसम है तो वहाँ पर आप चला सकते हो, तो कम से कम आप 15-20 दिन 25 दिन भी चला सकते हो। जो इम्यूनिटी रहता है, ज़्यादा पसीना वगैरह आता है, उस जगह पे बहुत दिन नहीं चला सकते, ताकि फिर बाद में स्किन में थोड़ा सा रैशनेस हो जाते हैं, बहुत लाल लाल हो जाएगी, तो थोड़ा केयरफुली कर लीजिए, ध्यान रखिए। अभी ये जो चीज़ें मैंने यहाँ पर क्लीन कर दिया है, सिस्टम्स एकदम बिखरे बिखरे हैं, तो इस चीज़ों को फिर हम लोग वॉशिंग करते हैं। वॉशिंग करने का तरीका भी आपको मैंने लास्ट में बताया था, थोड़ा सा इसमें सबसे पहले इसको गीला करिए, सबसे पहले गीला कर लीजिए इसको, पूरी तरह से ग्लू वगैरह निकालना चाहिए। गीला करने के बाद हो गया, कुछ चिपका चिपका नजर आ रहा है क्या देख लीजिए, करने के बाद आप थोड़ा सा यहाँ पर इसको रखिए, तो फिर आपको एक 20-25 बूंद डालना है आपको शैम्पू। शैम्पू है शोज कप का है, अल्कोहल फ्री है, अल्कोहल फ्री वाला शैम्पू है। अभी आप इसको
बाद में वॉश कर लें। इसके बाद इसमें थोड़ा सा और थोड़ा सा वॉश कर लीजिए सादा पानी से, ताकि शैम्पू पूरा क्लियर हो जाए। मैंने इसको इसको मैंने वॉश कर लिया और काली शैम्पू से वॉश किया हुआ है। आपके पास ये सब चीज़ें नहीं रहेगी तो वाना नहीं, तो उसमें आप एक टब में से थोड़ा पानी डाल के, सादा पानी, गर्म पानी बिल्कुल यूज मत करिए। गर्म पानी करने से सिस्टम वगैरह जल्दी ख़राब हो जाती है, आपका लॉन्गेरिटी नहीं बचती है इसमें। तो इसको मैंने थोड़ा पानी निकाला हूँ, पानी निकालने के बाद आप इसमें थोड़ा सा जस्ट आप इसको कंडीशनर डाल दीजिए, ज़्यादा भी कंडीशनर की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बस हो गया, जस्ट चुटकी भर के इतना ध्यान में रखें, ज़रूरत नहीं है कि पूरा ये पिघलने के कोई ज़रूरत नहीं, इसको डायरेक्टली आप इसको पहना दीजिए, ऑटोमेटिकली ये हो जाएगा, पिघल जाएगा। कंडीशनर का पानी से मैं कम से कम आपको 1 से 2 मिनट रखना है, उसमें पूरा वो सोख जाना चाहिए, सोखेंगे आपका बाल की जो क्वालिटी है बहुत अच्छा हो जाता है, सिल्क हो जाता है, स्मूथ हो जाता है, फिर आपको महसूस बहुत नेचुरलिटी जैसे मिलता है। तो ये भी जो कंडीशनर है, कंडीशनर ये है लोरियल का है हम लोग ने, आप एक्सुलेट रिपेयर का जो हम लोग ने लोरियल के यूज़ करें, क्योंकि उसमें अल्कोहल फ्री है, तो ऐसा ही एक अल्कोहल फ्री वाला शैम्पू आप यूज़ कर सकते हैं। अभी 2 मिनट हो चुका है, तो इसको मैं निकल रहा हूँ इस तरह, बहुत अच्छी स्मूथ एंड सिल्क हो चुका है इसका। थोड़ा सा आप पानी से मुझे तो बात भी कर सकते हो, पानी डाल सकते, पानी निकाल दिया, एक अच्छी टवेल्स में इसको रखिए इस तरह, कि इसको फिर आप इस तरह घुमाइए, इसको अच्छी तरह से सोख जाना चाहिए। आप इसको ड्राई भी कर सकते हैं, ड्राई भी करते हैं, आपका पास है ड्रायर तो ड्रायर यूज़ कर लीजिए, ड्रायर नहीं है आपका पास है तो आप दिख रहे हैं यहाँ पर हमारा पैन, उससे भी आप सुखा सकते हैं। अभी मेरे पास तो ड्रायर है तो मैं ये यूज़ करूँगा, ड्रायर इस तरह यूज़ करना है, अभी ये जो ड्रायर है हम लोगों ने ड्रायर है, तो इसको बिल्कुल आप ना इसमें गरम गरम हवा मत मारिए, ताकि गरम हवा मारने से आपका सिस्टम्स ख़राब हो सकता है, एक भी बाल आपका टूटा नहीं है, बिल्कुल अच्छी तरफ से आप इसको कर सकते हैं। तो किसी किसी को डेंसिटीज होता है, किसी किसी का हेयर में डेंसिटीज नहीं होता है, जो विदाउट डेंसिटीज वाला सिस्टम से वो हमारा है, यहाँ पर हम लोग ने इसको फ्री करते हैं, तीन जो चीज़ है यहाँ पर इसको हम लोग फ्री करेंगे इस तरह। ये हो गया हेयर वॉश, तो ऑटोमेटिकली फिर आपको वही चीज करना है, फिर से यहाँ पर आपको पहले टेप लगाना है, परफेक्टली मेजरमेंट में ये सब चीजें हैं, यहाँ पर आप इजीली कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, आपको ये वीडियो अच्छा लगा, लग रहा है मुझे तो धन्यवाद, आपने इसको अच्छा लगा तो आप लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।